हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट. वेलकम इन योर मैथमेटिक क्लास. लास्ट क्लास में अपन सिलेबस को डिवाइड किया था, उसके अंदर पार्ट से उसके कौन से यूनिट कितने मार्क्स की है, कौन सा सब बात डिस्कस किए थे. कल मैं आपको बता रहा था कि अपन रिसर्च, सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे कौन सा टॉपिक पे आपका कैलकुलस, और कैलकुलस में भी अपन डिस्कस करेंगे सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन. डिफरेंशिएशन वेरी इंपॉर्टेंट है आपको, इसी पे डिपेंड अपने पास आगे इंटीग्रेशन वगैरह भी आएंगे, तो सबसे पहले आपको इस पे ज्यादा फोकस करना है. ओके, तो डिफरेंशिएशन क्या है, उसकी अपन डेफिनेशन कैसे देखेंगे, वो कैसे यूज करना है, उसका साइन क्या है, वो सारी बातें अपन डिस्कस कर रहे हैं. सबसे पहले डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन देखो. डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन समझने से पहले आपको टू वर्ड्स है उन पे फोकस करना है. फर्स्ट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, सेकेंड वन इंडिपेंडेंट. वेरिएबल तो जनरल सी बात मैं आपको यहां बता दूं कि डिपेंडेंट का तो मींस जनरल अपने लिए तो दूसरे वेरिएबल पे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, वही क्या होते हैं, डिपेंडेंट. और जो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं खुद के ऊपर, वही क्या होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल. क्लियर. अब बात करते हैं एक फिजिक्स के छोटे से, टू वर्ड्स अपने पास, टाइम एंड डिस्टेंस. इनमें आप डिफरेंस कैसे करोगे कि व्हाट इज, कौन सा अपने पास क्या है, कौन सा इंडिपेंडेंट है, दोनों में से आप डिफरेंस करोगे. तो मान लो कि मैं अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रहा हूं, फिजिक्स की बात है, थोड़ा देखना. मैं कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा हूं, ट्रेवल कर रहा हूं, ट्रेवल कर रहा हूं, तो कोई ना डिस्टेंस भी कवर होगी. डिस्टेंस कवर होगी कि नहीं, अब कितनी डिस्टेंस कवर होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, टाइम के ऊपर डिपेंड करेगी ना. तो डिस्टेंस कितनी होगी, ये तो है डिपेंडेंट, डिपेंडेंट, और ये है इंडिपेंडेंट. ये क्या बनेगा अपने पास, इंडिपेंडेंट, क्योंकि ये जो डिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगी, इस टाइम पे कि मैं कितना टाइम ट्रेवल कर रहा हूं, और टाइम क्या हो गया, इंडिपेंडेंट, टाइम कितना भी हो सकता है. क्लियर है ना. तो टाइम एंड डिस्टेंस में आपने क्या देखा, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का डिफरेंस देखा. वैसे ही एक जनरल सी बात मैं आपको बताऊं, फर्स्ट बात क्या है वो देखो. फर्स्ट अपने पास क्या है, इसकी बेसिक सी डेफिनेशन अपने को बनानी है. बेसिक सी डेफिनेशन का मीन्स क्या, डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है. डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल को क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है. और डिपेंडेंट वेरिएबल को अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होता है, चेंजमेंट होता है, वही क्या अपना डिफरेंशिएशन है. रिपीट कर रहा हूं देखो, डिफरेंशिएशन इज डिफरेंशिएशन क्या है, प्रोसेस है जिसके अंदर क्या कहता है, डिपेंडेंट वेरिएबल को अप्लाई किया जाता है और उसमें टाइम के अकॉर्डिंग या किसी अन्य वेरिएबल के अकॉर्डिंग क्या होता है, चेंजमेंट होता है. वो चेंजमेंट ही क्या है, डिफरेंशिएट है. क्लियर. सेकेंड डेफिनेशन अपने ये भी बनती है देखो, द चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ द रेट ऑफ चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. देखो डेफिनेशन देखो इसकी, द चेंज ऑफ चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ द रेट ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. क्लियर. ये आपकी क्या बन जाएगी, सेकंड डेफिनेशन बन जाएगी. ठीक है, इसके अंदर आप देख सकते हो इस चीज को. अब अपने पास बेसिक सी बात आती है, ये रेट ऑफ चेंज क्या है, रेट ऑफ चेंज. इसको समझने के लिए देखो, रेट ऑफ चेंज, वैसे तो ये फिजिक्स की बात है, बट आप, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं. इसके अंदर आपको क्या करना है, देखो ये आपने डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट देख लिया, टाइम डिस्टेंस में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का डिफरेंस देख लिया. सेकंड डेफिनेशन आपने देख ली, द चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ द रेट ऑफ चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू क्या बन जाएगा अपने पास, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वही क्या बन जाएगा अपने पास, डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन बन जाएगी. अब रेट ऑफ चेंज की बात करें, रेट ऑफ चेंज का मीन्स क्या है, जैसे एक तो मैं हूं और एक मेरा फ्रेंड है, दो है. अब मैं एक मिनट के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, 100 मीटर की क्या कर रहा हूं, डिस्टेंस कवर कर रहा हूं.
और मेरा फ्रेंड है वो एक मिनट के अंदर क्या कर रहे हैं 200 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है। क्लियर है? तो रेट ऑफ चेंज मेरी क्या बनेगी, रेट ऑफ चेंज क्या बनेगा मेरा 100 मीटर पर मिनट, और मेरे फ्रेंड की क्या बनेगी 200 मीटर पर मिनट। ये आपकी क्या हो जाएगी, जनरल सी बात हो जाएगी, रेट ऑफ चेंज। क्लियर है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने डिस्कस कर लिया डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, उनके अंदर भी डिफरेंस देख लिया कि वो कौन सा डिपेंडेंट बनता है और इंडिपेंडेंट बनता है। उसके बाद में अपन ने डेफिनेशन देख ली टू टाइप्स की, उसके अंदर रेट ऑफ चेंज की बात की थी, वो अपने पास क्या हो गया यहाँ रेट ऑफ चेंज हो गया। क्लियर? अब जनरल सी बात करें डिफ्रेंसिएशन को, जनरल से किससे डिनोट किया जाता है dy by dx, किससे डिनोट किया जाता है dy by dx। क्लियर है? dy by dx इससे अपन डिनोट करते हैं। x इसके अंदर क्या होता है डिपेंडेंट, क्या बनेगा डिपेंडेंट, एंड y क्या बनेगा इंडिपेंडेंट। क्लियर है? x क्या बनेगा डिपेंडेंट और ये क्या बनेगा इनडिपेंडेंट वेरिएबल बनेंगे। क्लियर है? अब इसमें डिफरेंशिएशन के अंदर बात करते हैं इसमें फॉर्मुलेज की, तो डायरेक्टली आप फॉर्मूले वैसे तो इन सब का क्या बनता है ग्राफ बनता है, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है यहां, डायरेक्ट अपन फॉर्मूले पे बात करेंगे। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूलाज फर्स्ट डीवाई बाय डी एक्स एक्स टू दी पावर एन, एन मीन्स नंबर समझे यहां, ये क्या बनेगा अपने पास n x टू दी पावर n माइनस वन, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस वन। सेकेंड d अपॉन डी एक्स, और यहां क्या हो अपने पास कॉन्स्टेंट हो गई, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज कितना होगा जीरो। कैसे बनेगा एग्जांपल देख सकते हो आप, ये हो d अपॉन डी एक्स, क्या बने अपने पास फाइव आ जाए माइनस आ जाए जो भी है तो ऑलवेज इतना होगा जीरो। इसका एग्जांपल देखो एक्स टू दी पावर एन का डीवाई बाई डी एक्स, एक्स टू दी पावर कितनी आएगी फाइव, तो इसको डिफरेंशिएशन करना है एक्स टू दी पावर फाइव का, एक्स टू दी पावर फाइव का मीन्स यहां कंपेयर करेंगे तो एन इजिकल्स टू कितना होगा फाइव, तो ये कह रहा है क्या बनेगा फाइव एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, एन माइनस वन फाइव माइनस वन क्या बनेगा फोर, ये आपका क्या हो गया एक्स टू दी पावर एन। नेक्स्ट अपने पास बनता है डी अपॉन डी एक्स ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इज ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर ई एक्स का ये बनेगा। नेक्स्ट अपने पास है डी अपॉन डी एक्स ए टू दी पावर एक्स, ए टू दी पावर एक्स मीन्स ए टू दी पावर एक्स इंटू लोग बेस में इसके ई है लोग ए, इसका एग्जाम्पल कैसे बनेगा देखो, एग्जाम्पल देखो डी अपॉन डी एक्स, और ये अपने पास क्या हो फाइव टू दी पावर एक्स, तो ये क्या बनेगा फाइव टू दी पावर एक्स लोग फाइव, क्या बनेगा फाइव टू दी पावर एक्स लोग फाइव। नेक्स्ट अपने पास फिफ्थ डी अपॉन डी एक्स किसका हो वन अपॉन एक्स का, किसका वन अपॉन एक्स, वन अपॉन एक्स है तो इसका क्या बनेगा डायरेक्ट माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। आप ये भी बना सकते हो वन अपॉन एक्स है इसको ऊपर लेके जाओ तो एक्स की पावर माइनस वन, और एक्स की पावर माइनस वन को बनाना चाहिए तो उसका भी डिफरेंशिएशन क्या आएगा डी अपॉन डी एक्स एक्स टू दी पावर माइनस वन, इसका भी माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट अपने पास क्या है ये डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले नोट करो आप, हो गया। नेक्स्ट अपने पास डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है डी अपॉन डी एक्स लोग एक्स, लोग एक्स का होगा वन अपॉन एक्स, देखो ये लोग एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स है, ये डिफरेंशिएशन है वन अपॉन एक्स का, दोनों डिफरेंट डिफरेंट बातें हैं। अब फंक्शंस देखो अपने पास, नेक्स्ट अपने पास है डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा कोस एक्स। क्लियर? नेक्स्ट डी अपॉन डी एक्स कोस एक्स, कोस एक्स का क्या बनेगा माइनस साइन एक्स, आपको देखना है साइन एक्स का बनेगा प्लस कोस एक्स बट कोस एक्स का बनेगा माइनस कोस एक्स। क्लियर है? नेक्स्ट अपने पास है डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स,
टेन एक्स के साथ में अपना क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, क्या बनेगा, सेक स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट अपने पास हो डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स का, देखो ये टेन एक्स का बनता है अपने पास सेक स्क्वायर एक्स, सिंगल सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन अपने पास बनेगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, क्या बनेगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। क्लियर, नोट करते रहो साथ में, ये आपको डायरेक्ट लर्न करने, वैसे तो ये सारे ग्राफिकल मेथड से भी सोल्व भी हो जाते हैं, प्रूव भी हो जाते हैं, बट सीनियर क्लास में अपन को क्या करना है, डायरेक्ट लर्न करने। नेक्स्ट वन डी अपॉन डी एक्स, क्या हो अपने पास कोटक्स, कोटक्स का डिफ्रेंसिएशन अपने पास बनेगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट डी अपॉन डी एक्स कोसेक एक्स इजिकल्स टू माइनस कोटेक्स इंटू कोसेक एक्स, ये अपने के पास क्या बनेगा कोसेक इंटू कोट एक्स माइनस का बन जाएगा। नेक्स्ट अपने पास इनवर्स के अच्छे से देखना, डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का बनेगा वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स का बनेगा वन अपॉन रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट अपना 14 है डी अपॉन डी एक्स कोस इनवर्स एक्स का, तो कोस इनवर्स में क्या हो जाएगा नेगेटिव का साइन आ जाएगा, जनरली तो साइन एक्स साइन इनवर्स एक्स यूज करते हैं अपन। नेक्स्ट देखो ये हो गया, नेक्स्ट अपने पास 15 वाला है डी अपॉन डी एक्स और साइन हो गया टेन इनवर्स एक्स का, टेन इनवर्स एक्स का, टेन इनवर्स एक्स का अपने पास बनेगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट अपने पास है 16 डी अपॉन डी एक्स कोट इनवर्स एक्स इजिकल्स टू माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट वन अपने पास डी अपॉन डी एक्स एंड नेक्स्ट वन सेक इनवर्स वन, व्हाट इज सेक इनवर्स एक्स, वन अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। नेक्स्ट डी अपॉन डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स का बनेगा माइनस एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये आपका क्या हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन के फॉर्मूले हैं, आपको अच्छे से देखने हैं। देखो एक बार देख रहे हो, नेक्स्ट अपने पास यही फॉर्मूले स्टैंडर्ड फॉर्मूले देखो, उसके अंदर फर्स्ट है स्टैंडर्ड फॉर्मूले, फर्स्ट अपने पास क्या हो डी अपॉन डी एक्स, इनको फर्स्ट इंटू सेकेंड भी बोलते हैं, यू इंटू वी से भी कर सकते हैं अपन, फर्स्ट क्या हो यू प्लस वी, फर्स्ट प्लस सेकेंड भी बन सकता है, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा डिफ्रेंसिएशन का डी अपॉन डी एक्स यू प्लस डी अपॉन डी एक्स वी बना सकते हैं। सेकेंड अपने पास है डी अपॉन डी एक्स यू माइनस वी, क्या हो यू माइनस वी, सो वी राइट डी अपॉन डी एक्स माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। क्लियर, नेक्स्ट अपना इंटू में डी अपॉन डी एक्स यू इंटू वी, मीन्स टू फंक्शन क्या हो जाए मल्टीप्लाई में आ जाए, तो उनको क्या करना है फर्स्ट टाइम तो यू कॉन्स्टेंट एंड डी वी अपॉन डी एक्स, मीन्स जो u है ना फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये रह गया फर्स्ट नंबर पे, सेकंड वाला जो फंक्शन रहेगा उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, प्लस v रह गया कांस्टेंट एंड डी यू अपॉन डी एक्स ये है। एंड फोर्थ वन इज डी अपॉन डी एक्स यू अपॉन v, क्या है u अपॉन v, इट्स मीन्स नीचे वाला जो तो v है उसका स्क्वायर करना है अपने को, यहां क्या रहेगा v डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू डी वी अपॉन डी एक्स, ये बेसिक से फॉर्मूले है डिफ्रेंसिएशन के, ये आपको लर्न करने हैं। क्लियर है, ओके, थैंक यू, हैव ए वंडरफुल ग्रेट डे।